Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to Good Morning Guys. मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सबाशी। बिलाखिर जनाब बड़े दिन का बड़ा फैसला सामने आ गया है। ने 120 में एक बार फिर से नून लीग की फतह हुई और पीटीआई को शिकस्त का सामना रहा और ये बात वाजे हो गई कि लाहौर की अवाम आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। नून लीगियों के लिए इस वक्त जश्न का समय है जबकि पीटीआई एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। कल सारा टाइम जब हमने देखा कि नताज आने का सिलसिला जारी था तो हर तरफ हैशटैग NA120 का ट्रेंड जो है वो चल रहा था और जो जो अपडेट्स मिलती रही लास्ट मोमेंट तक मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पीटीआई जो है वो विन कर जाएगी और जो जो अपडेट्स हमें मिल रही थी उसके बाद यही लग रहा था कि पीटीआई की जीत होगी। जबकि कुछ हलकों में तो पीटीआई के कारकुनों ने जश्न भी मना लिया था पर जैसे ही गैर हतमी और गैर सरकारी नतीज का ऐलान किया गया तो कुलसुम नवाज का नाम सामने आ गया और मैं सोचती रह गई कि एक बहुत बड़ा अपसेट होते होते रह गया। दीगर जमातों की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच में ही था, पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था बल्कि उनसे तो ज्यादा मेरा ख्याल है वोट आजाद उम्मीदवार ने हासिल कर लिए थे। तो ओवरऑल हल्के में ये सिचुएशन रही और अब नतीज आने के बाद कहानी क्या है, चीजें किस तरह से टर्न आउट कर रही है और क्या कौमी असम्बली में कायदे अवान की रशिश पर भी बेगम कुलसुम नवाज ही आएंगी, इस सब पर आज के शो में बात होगी। जी हाँ बिल्कुल, आज के शो में हम बात करेंगे NA120 के नतीज के हवाले से और अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए इन नतीज को देखा जाए इस पूरी ओवरऑल कैंपेन को देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि बाय इलेक्शंस में यानी कि जिमनी इंतखाब में इतना ज्यादा वोटर्स टर्न आउट नहीं रहता लेकिन जितनी हाइप इस इलेक्शन को दी गई जितनी हाइप इस हलके को दी गई तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आम इंतखाबात जैसे हो रहे हैं। और आज न्यूज आपको गाहे बगाहे अपडेट कर रहा था, हम आपको एक एक मिनट की जो है खबर दे रहे थे, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन इस हवाले से जारी थी और जैसे ये कैंपेन शुरू हुई तो हमने देखा कि सुबह 8 बजे के बाद से पोलिंग स्टार्ट हो गई और फिर शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा, शिकायतें भी चलती रही, कुछ ना कुछ बदनज़मी के इंतजाम भी सामने नजर आए और साथ साथ नून और जुनून आमने सामने भी हुए। फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर एक पोलिंग स्टेशन था, उसके बाहर काफी गर्मा गर्मी थी, एक बच्चा भी नून लीगी कारकुन की गाड़ी से जो है वो जख्मी हो गया। तो सारा कुछ सिलसिला चलता रहा, जिमनी इंतखाब की कैंपेन चलती रही और यही सोचते रहे हम लोग तमाम तजियाकार की जी आज फैसला किसका है, आज बाजी किसकी है। लेकिन क्योंकि गैलप सर्वे भी आ चुका था और उसमें भी यही कहा जा रहा था कि जी नून की वहां पर आबाई हल्का है और मरियम नवाज शरीफ ने वहां पर जाकर डोर टू डोर कैंपेन भी की है जो कि बनता नहीं था क्योंकि वो उनका आबाई हल्का है और यही गैलप सर्वे भी कह रहा था और यही तमाम लोग भी कह रहे थे कि जी जीत नून ही की होगी। लेकिन ये जीत जीत के लिए नहीं है, ये जीत नंबर्स की जीत है कि नून कितने मार्जिन के साथ में जीतती है। बात यह हो रही थी कि अगर पीटीआई बहुत कम मार्जिन से पीछे रह जाती है तो फिर अखलाकी फतह किसकी होगी, तो इसी हवाले से आज ओवरऑल हम अपने शो में भी बात करेंगे। और अगर यास्मीन राशिद साहिबा की बात की जाए तो उन्होंने कहा जी फौज की निगरानी में ये तमाम मामलात हैं तो हमें भरोसा है, साथ साथ चौधरी सरवर भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का उनके साथ में दौरा करते रहे। फिर एक बड़े मजे की बात यह हुई कि जैसे ही कैंपेन जारी थी तो मरियम नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किया और मरियम नवाज शरीफ को जो उनके नून लीग की कारकुनान थे उन्होंने कहा जी हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा, हमारे साथ बदनज़मी हो रही है। फिर उसके अलावा जो इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और मुतारिक किया अपने वोटर को, तो ये सारा सिलसिला कल दिन भर जारी रहा और फाइनली नतीजा ये निकला कि कुलसुम नवाज NA120 से बिल्कुल फातह करार पाई और नून लीग के कैंप्स में जो है वो जश्न का समा था जबकि पीटीआई के कैंप में कुछ खामोशी थी, कुछ तनकीद थी, कुछ खबरें थी, कुछ बातें थी, तो ये सारी चीजें थी। अब इस तबसरे इसके लिए हम तबसरे भी शामिल करेंगे लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। लाहौर की आवाम ने फैसला सुना दिया, नवाज शरीफ की खाली की गई नशिस्त, उनकी अहलिया बेगम कुलसुम नवाज ने जीत ली, पीटीआई की यास्मीन राशिद को शिकस्त, क्या कौमी असेंबली में कायदे अवाम की नशिस्त पर भी बेगम कुलसुम नवाज आएंगी। परामा केस में नाहली के बाद मियां साहब और शरीफ फैमिली की मुश्किलात बढ़ गईं, शरीफ खानदान का एहतसाब अदालत में पेश न होने का फैसला, क्या कोर्ट गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी करेगी।
लेकर आती में बिजली की लोड शेयरिंग, आवाम के सर का दर्द। बिजली चली जो जाती है लेकिन आती कब है ये किसी को पता नहीं। कराची में बिजली बहरान का जिम्मेदार कौन, हुकूमत के इलेक्ट्रिक या फिर खुद आवाम? हेलमेट पहनना चाहिए, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिंदगी का सवाल ही है, तो लाजमी है हेलमेट। मकसद तो ये है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना। एक हफ्ते की मुहिम से तो कोई फायदा नहीं है। अगर कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, फाइन करें नहीं पहने जो भी है, तो वो फिर उसको चलान करें। पहले भी इस तरह काफी मरतबा हो चुका है कि भाई हेलमेट के लिए उन्होंने कानून लागू किया था, लेकिन कोई अमल दरामद है नहीं। और कराची में मोटरसाइकिल चलाने वालों को हादसा से बचाने के लिए हफ्त रोजा हेलमेट मुहिम जारी, रोजाना हजारों की तादाद में चालान। क्या एक हफ्ते बाद भी मुहिम के असरात के जारी रखे जा सकेंगे? ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबारात की हेडलाइंस पर। चलें जी जनाब, मेरे पास इस वक्त है जंग, और जंग की जो मेन लीड है वो कौन सी है? अच्छा जी, वो है नवाज शरीफ के खिलाफ 43 उम्मीदवार खड़े किए गए। राणा सनाउल्ला, आवाम ने अदालती फैसला और उनके तर्जुमानों को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज, एनए 120 के हवाले से ये मेन लीड है, और सारी खबरें जो है एनए 120 के हवाले से यहाँ पर गाहे बगाहे लगाई गई हैं मेन लीड के तौर पर। तो इस जो खबर का जो बिल्कुल एक फोकस पॉइंट है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ ने जो बाद में अपनी स्पीच की, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि उनका मोराल भी डाउन करें, उनकी कैंपेन को भी डाउन करें, और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सिलसिला भी जारी रहा, और उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद साहब के साथ जो है उनके शाना बशाना खड़ी हैं। तहम उन्होंने एक फैसले के बारे में बात की कि आवाम ने अदलिया के फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद उनकी इस स्पीच के बाद तमाम लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। और जिस तरीके से इस ओवरऑल कैंपेन के बारे में कहा जाए कि इसको जिस तरीके से पिच किया गया, उसमें दोनों जानिब से इस तरह के बयान थे कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी अगर अदलिया पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना है तो पीटीआई को वोट दिया जाए, लेकिन अगर चोर डाकू का साथ देना है तो फिर नून लीग को वोट दिया जाए। जिसके ऊपर उनके अपने पीटीआई के अपने जो रहनुमा थे वो ये कहते थे कि थोड़ा सा बोल्ड और गैम्बल किस्म का स्टेटमेंट दिया है इमरान खान साहब ने, लेकिन ये इसलिए दिया है ताकि वो वोटर को मुतारिक कर सकें, वो वोटर को उसको इंक्रीज कर सकें, उसकी पावर को इंक्रीज कर सकें कि जी वो पीटीआई को वोट डालें। सो जनाब, जैसे कि सभा बता रही हैं आपको, नवाज शरीफ की जो बेटी हैं इस वक्त मरियम नवाज, उनकी जानिब से कल एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही जोशीला खिताब उनकी जानिब से किया गया, और हम देख रहे हैं कि पहले नवाज शरीफ ये काम करते थे, अब उनकी बेटी जो है वो ये काम अंजाम दे रही है, और कल बहुत सी बोल्ड स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से भी सामने, और उनका ये कहना था कि अब आवाम ने फैसले के ऊपर फैसला सुना दिया है, यानी कि अदालती फैसला जो भी आया था उसके बाद आवाम ने उसका क्या फैसला निकाला है उस सब पर उन्होंने कल खिताब किया, और ये बात वाजे कर दी कि अवाम ने अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया है, उनके दिलों का वजीर आजम आज भी नवाज शरीफ ही है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इमरान खान जो है वो रो रहे हैं इस वक्त, और पीटीआई के रोने के वक्त शुरू हो चुके हैं, हम लोगों ने एक और जीत हासिल कर ली, और साथ ही ट्वीट भी उन्होंने जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी की कि एक बारी फिर शेर। हाँ। तो उनकी इस तरह की ट्वीट जो है वो काफ़ी हलचल मचा रही थी, लेकिन हमने देखा कि उसके जवाबन जो है वो फवाद चौधरी हो चाहे इमरान खान हो, सबकी जानिब से बयानात सामने आ रहे थे, और फवाद चौधरी ने जो है वो इसका जवाब यूं ही दिया कि जनाब ये चाहे आपकी जितनी भी जीत इस वक्त हुई हो, लेकिन रोने का सिलसिला और मातम का सिलसिला जो है वो इस वक्त नून लीग में ही जारी है, तो पीटीआई के ऊपर जो है किसी किस्म का निशाना या पीटीआई को किसी तनकीद का निशाना जो है वो इस वक्त ना बनाया जाए। जबकि इमरान खान ने भी जो है वो अपनी यास्मीन राशिद जो कि पीटीआई की जानिब से उम्मीदवार थी, उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनको खराज तहसीन पेश किया। साथ साथ जो तमाम पीटीआई की वुमेन वर्कर्स थी उनको भी जो है वो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया कि जी उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ बड़ी लगन के साथ जो है वो अपने काम अंजाम दिए। तो ये जो दो बयान हैं आज एक्सप्रेस ने उनको अपनी मेन लीड। अच्छा, एक और यहाँ पर जंग की मेन लीड है कि नवाज ने इमरान को हरा दिया, और साथ साथ स्टैट्स मैंशन किए गए हैं कि किस कैंडिडेट ने कितने वोट लिए। अच्छा, अगर बात की जाए तो यास्मीन राशिद थी, फिर कुलसुम नवाज थी, और फिर फैसल मीर साहब थे। गो के फैसल मीर साहब
इतने ज्यादा वोट नहीं ले सके, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनकी पॉलिटिकल इंटेग्रिटी है, फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग की, फिर भी जो है वो जरदारी साहब की जानिब से उनको सराहा गया, और फिर भी उसके बावजूद भी उनका हौसला, उनकी हिम्मत जो है बहुत ज़्यादा बुलंद थी। और पीटीआई ये कोशिश कर रही थी कि साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी पीछे धकेले, जबकि पीपल्स पार्टी की ये कोशिश थी कि वो एक दफ़ा इस हल्के में, इस गढ़ में अच्छे वोटिंग के साथ में, अच्छे वोटर्स टर्नआउट के साथ में ये साबित कर सके कि पीपल्स पार्टी इज़ ऑन राइट पाथ। तो अगर बात की जाए तीनों ही कैंडिडेट्स की, तो इसमें एक दिलचस्प पहलू जो है वो ये था कि इन तीनों ही कैंडिडेट का जो वोट था वो इस हलके में मौजूद ही नहीं था, तो ये तीनों कैंडिडेट वोट डाल ही नहीं सके। और इसी हवाले से जो है इन लोगों के क्या तासुरात थे, ये लोग क्या बातें कर रहे थे, पोलिंग स्टेशन के दौरे भी कर रहे थे साथ साथ, और साथ साथ जो है मरियम नवाज की जानिब से अपने कारकुनों को मुतारिक करने के लिए ट्वीट भी की जा रही थी, इमरान खान साहब भी ट्वीट कर रहे थे। और अगर इसके अलावा मेन लीड्स में शामिल करूँ तो पूरा अखबार जो है इस वक्त वो जंग का एन ए 120 के हवाले से है मोस्टली, तो एन ए 120 मीडिया नुमाइंदगान को कवरेज से नहीं रोका। अच्छा, इस तरह की भी खबरें आ रही थी हमें लाहौर ब्यूरो से, अनवर आशमी साहब जो है वो अपडेट कर रहे थे कि जी 98% मीडिया के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इजाज़त दे दी गई थी कि मीडिया के तमाम लोग जा सकते हैं, कवरेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बदइंतज़ामी, कुछ ना कुछ रुकावट जो है वो सामने आ रही थी। तो ये सारी सिचुएशन जो थी कल एन ए 120 के हवाले से। बिल्कुल जनाब, और कल हमने एक और चीज़ नोट की, वो ये कि एक बार फिर से इंतखाबात हुए और बाद में धांधली की आवाजें जो हैं वो जोर जोर से आना शुरू हो गई, और अब हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर रही है। यास्मीन राशिद ने जो है वो कल इस बात को वाज़ेह भी किया है, और उसके बाद बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि उनको शिकायतें मौसूल हो रही हैं, तो इस दफा धांधली की आवाजें कहा जा रहा है कि नजर ना आने वाली कुव्वतें जो है वो काफी हद तक मुसलत रही, लेकिन उसके बावजूद भी जीत उनका जो है मुकद्दर बनी। तो डेफिनेटली जो कामयाब उम्मीदवार है उसको हम मुबारकबाद भी पेश करना चाहेंगे, और मजीद जो है उस चीज पर बातचीत की जाएगी आगे आने वाले जो हमारे तजियाकार होंगे उनके साथ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, और जानेंगे कि लाहौर में इस वक्त जश्न का कैसा समा है। हुमाबट हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हुमाबट बताएगा कि लाहौर शहर में कल एक बहुत बड़ा मार्का हुआ है, कुलसुम नवाज जीत गई है, लाहौरियों ने तो वाजे कर दिया कि वो आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आज भी लाहौरी जो है, कुछ लाहौरी जो है वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, और आज जो कल होने वाला मार्का जिसको कहा जा रहा है वो उन्होंने जीत लिया है। लेकिन आज के दिन जश्न का समा होगा, और जश्न मुख्तलिफ जगहों पर किया जाएगा, ना सिर्फ एन ए 120 में बल्कि पंजाब हाउस में भी, जो कि एन ए जो मॉडल टाउन में भी एक जश्न होगा, और वहाँ पर भी तकरीब का अहतमाम किया जाएगा। कारकुन तो वैसे कल ही बड़े पुरजोश थे, और उनका कहना था कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस रिजल्ट का, जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो हम लोगों ने आज के दिन के लिए, मतलब शाम के लिए, बहुत ही जो तकरीब है वो इनाकाद उनका किया हुआ है, और वो जश्न जो है वो रात को ही होना था, लेकिन आज भी वो जश्न का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा मुख्तलिफ जगहों पर। और इसके अलावा अगर इनके जश्न से हट कर कोई बात की जाए तो वो ये है कि ख्वाजा साद रफीक जो है वो आज एक तकरीब में आएंगे, और उनका वहाँ पर बयान हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग बड़ी सुनाई दे रही है, बड़े ही आप तंजिया अंदाज में बोल रही है इनकी सो कॉल्ड मार्का, और जनाब कुछ लाहौरी जल्बाज अब यूज करी, पता चल रहा है कि इस वक्त कितना दिल दुखा हुआ है आपका। दिल नहीं दुखा हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग जो कि ये बात बार बार बोलते हैं कि हम लोगों की बहुत लीड है और लाहौर हमारा है, लेकिन लीड देखें ना, लीड देखें आप तो 14,000 की लीड है, ये मार्का किस तरह का फिर मार्का हुआ, क्या बात है, लीड ही नहीं कोई ले सके, और बार बार ये बात कही जा रही थी। चले जी, हुमा भट्ट हमें ओवरऑल अपडेट करती रही है इलेक्शन कैंपेन से। मुझे लग रहा था कि आज हुमा भट्ट जो है वो काफी थकावट फील की, लेकिन सलाम है आज ने उसके तमाम क्रॉस्पोंडेंट्स को जो कि पूरे हफ्ते से ही लगे हुए हैं और एक एक मिनट की खबर दे रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं और नासिर काजमी की जानिब जाते हैं। जी नासिर काजमी, अपडेट कीजिए, क्या सियासी समाजी सरगर्मियां होने जा रही है और क्या सिचुएशन है एन ए 120 के इलेक्शन के बाद? जी इस्लामाबाद में ज़्यादा हला गुला नहीं है लाहौर की तरह, लेकिन जो अदालतें हैं उनमें खासी गहमा गहमी आज तवक्को की जा रही है। कुलसूम नवाज के ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी समाप्त की जाएगी, और उसके अलावा जो दीगर केसेस हैं मुख्तलिफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो भी उनका भी आज हेयरिंग है, और इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर बेनज़ीर मर्डर केस के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अपील दायर की जानी है वो है ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ अकामा के मुतल्लिक़ एक केस है, और इसके अलावा फिर
हम पार्लियामेंट में आ जाते हैं, पार्लियामेंट में मुख्तलिफ केसेस, मुख्तलिफ जो इवेंट्स होने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम इवेंट जो है वो पार्लियामेंट का इजलास है, कौमी असम्बली का इजलास है और फिर सेनेट का इजलास है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं वो भी हैं। एहसन इकबाल जो वज़ीर दाखला हैं, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के अंदर एक फिल्म फेस्टिवल है उसमें शिरकत करेंगे एज ए चीफ गेस्ट। इसके अलावा जो लोक विरसा के अंदर एक इवेंट है जो हैंडीक्राफ्ट जो सनतकार हैं हमारे उनके हवाले से। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से हमें आगाह कर रहे थे। और जब भी पीर का दिन आता है तो पीर का दिन ढेर सारे इजलास लेके आता है, कहीं पे कौमी असम्बली का, कहीं पे सेनेट का इजलास हो रहा होता है। शो में जनाब आगे चलकर मजीद खबरें, तज्जिया और तबसरे शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त को एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस। और जनाब अखबारों में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से मौजूदात इस वक्त जेरे बहस हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है नफीस नईम साहब, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, खुश दिखाई दे रहे हैं कि उदास है कल के नतीजे के बाद। जी अपने तासर खुद ही बता देना, साहब भी खुश और उदास नहीं होता, वो फैक्ट्स के ऊपर बिल्कुल। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि चाहे कुछ भी हुआ है, जमहूरियत जीत गई, जमहूरियत जीत। देखिए जमहूरी अंदाज में हुआ, सब कुछ हुआ। पोलिंग से सुबह 8 बजे से हमारी पूरी टीम ने इस तरह कवरेज की, सुबह 8 बजे से हम रात तक 3-3.5 बजे तक मैं घर गया हूँ। बिल्कुल, जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, फौज ने अपने इकदाम किए, सिक्योरिटी अपनी जगह दुरुस्त थी, तो इक्का दुक्का वाकयात तो होते हैं। जिस हिसाब से 21,000 से ज्यादा वोट थे, लेकिन पुरान अंदाज में हुआ, मजबूत तौर पर अंदाज में हुआ, और इसका जो नतीजा आया वो सबने कबूल भी किया। ठीक है, कुछ जो तहफुजात थे इलेक्शन के हवाले से, कुछ उनकी कहा था कि पोलिंग का टाइम नहीं बढ़ाया गया और बातचीत थी, लेकिन बहरहाल मजमू तौर पर पुरान रहे और एक जमहूरियत की फतह हुई है। लेकिन अहम इस अगर आपने छेड़ी दिया सिलसिला, तो इसमें एक अहम बात यह सामने आई कि 42 अफराद की जमानत जब्त हो गई, सिवाय पीटीआई और नून लीग के कैंडिडेट के, बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई। और अहम और एक दूसरा एक बहुत अहम फैक्टर ये था कि जो नून लीग ने इल्जाम लगाया है वो ये कि उनके कुछ अफराद लापता हो गए हैं, और उसे वो अलमिया ये है कि उसे उस नजर गोंदल को भी इसे मिसिंग पर्सन की कैटेगरी में डाल रही है गवर्नमेंट। एक सेटिंग गवर्नमेंट का ये इल्जाम जो है इंतहाई जो है हसास नौयत का है, संजीदा नौयत का है, जिसे देखने की बात है कि देखिए आप गवर्नमेंट में और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके बंदे मिस हो गए। हमारे प्रोग्राम में तो अहमद मलिक साहब ने यह भी कह दिया कि हमने तब हमारे पास वो गैजेट्स ही नहीं है कि हम इनका पता लगा सके कि ये कहाँ है, हमने पूरी कोशिश कर ली और हम एतराफ़ करते हैं कि हम नाकाम हो गए इनकी बाजियाबी के लिए। तो जब एक हुकूमत नाकाम हो जाए अपने ही बंदों की बाजियाबी के लिए, तो वो क्या डिलीवर कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा नफीस भाई, अगर हम थोड़ी सी बात करें इस इलेक्शन के नतज के ऊपर, जैसा कि गैलप सर्वे भी और बहुत सारे लोग भी यही कह रहे थे कि भाई इनका आबाई हल्का है, ये जो इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की, उसूली तौर से तो ये भी नहीं बनती थी, इनको वोट मिलने ही थे, इनका एक ताल्लुक रहा है इस हल्के से, इससे पहले भी मरियम नवाज जो है यहाँ से कैंपेन कर चुकी हैं। लेकिन इस दफा हमने एक शख्स को बड़ा मिसिंग देखा, वो थे हमजा शहबाज। ना सलमान नजर आए, ना हमजा नजर आए, जीत के बाद भी नहीं, जीत से पहले भी नहीं, इवन जब कुलसूम नवाज के नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए जा रहे थे तब भी आसिफ किरमानी साहब साथ थे, कैप्टन सफदर थे, लेकिन कोई और था नहीं। ये हमजा शहबाज वर्सेस मरियम नवाज था। देखें मुख्तलिफ सियासी हलकों में ये आ रहा है, ये बात है कि कुछ जो है मुस्लिम लीग के अंदर ही, यानी कि शरीफ फैमिली के अंदर ही कुछ दरारें पड़ रही हैं। और मरियम नवाज की देखिए, हमने शुरू में देखा था कि शहबाज शरीफ को पहले आपने नॉमिनेट करने की कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर के लिए, फिर उन्होंने प्रेसिडेंसी की तरफ किया, वहाँ से वो हटे। तो अब और हमजा शहबाज, और ये शुरू से ही आ रहा है कि दोनों में ये है कि कौन जो है वो बागदौड़ संभालेगा, हमजा शहबाज या मरियम नवाज। और चौधरी निसार की भी जो वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ जो सबसे बड़ी जो इख्तलाफ था वो यही था, इसी हवाले से मैं ज़रा डीप में नहीं आ सकता, क्योंकि वो उनकी ज़रा शरीफ बरादरान की अपनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बहरहाल ये इन्होंने शो किया है, उनकी जो एब्सेंस थी इसने शो किया है कि इनके यहाँ कुछ इख्तलाफात हैं। चले जी, मरियम ने प्रूव भी कर दिया कि आगे नून की क़यादत वो संभाल सकती है, और एक तरह का कॉन्फिडेंस भी दे दिया अपनी जमात। जी हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि मरियम ने ही नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने ही इसको लीड किया है। हालांकि यास्मीन रशीद तो ये कह रही है कि पूरी मशीनरी, लेकिन बहरहाल उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस हालात में, मुस्लिम लीग इस पर बहरान का शिकार है हम कह सकते हैं, इस हालात में उन्होंने इस कैंपेन को लीड किया। और बाकायदा हालांकि ये हमने इस नतीजे से एक और चीज, अहम चीज अक्स ये की, देखिए ना सिर्फ नून लीग का वोट बैंक अगर बढ़ा नहीं है,
तो पीटीआई के भी वोट बैंक को इतनी तकवीत नहीं मिली, नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, जितने मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 39.42% हालांकि जिमनी इंतखाबात में हमेशा परसेंटेज कम होती है, बाय इलेक्शन। लेकिन इस हवाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा जाएगी, क्योंकि दोनों बड़ी जमातें हैं सब पाकिस्तान की, और पूरा जोर इस इंतखाबात के लिए लड़ाया हुआ था, और उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए टेस्ट केस है। तो बहरहाल इसका फैसला हुआ और हमें खुशी इस बात की है कि अमन तरीके से हुआ, अमन तरीके से। नफीस साहब, एक बात ये भी हो रही है, इमरान खान की जानिब से भी बयान सामने आ रहे थे और उनका ये कहना था कि जी अगर आप चाहते हैं, आप अदलिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो जाके आप पीटीआई को वोट डालें, लेकिन अगर आप अदलिया को सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप जाके डाकुओं के साथ खड़े हो जाए। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट इमरान खान की जानिब से, एक सियासी लीडर की जानिब से दी जा रही हैं। अवाम ने तो कल फैसला कर लिया, इसका मतलब ये है, वाजे हो गया कि अवाम ने अदलिया के फैसले को मुस्तरद कर दिया। नहीं नहीं नैरेटिव गलत करके पेश किया गया। ये बात है, देखिए पॉलिटिकल, देखिए पनामा केस के बाद जो है ना, ये बाकी में अगर ये सीट पीटीआई जीत जाती ना, तो पीटीआई के मौकफ को बहुत ज्यादा तकवीत दी, और ये इसके लेके आगे जाते, अगले इलेक्शन जो है वो इसके बिहाफ पे लड़ते, और इनको बाकायदा एक जो कहते हैं ना, एक सपोर्ट मिलती जो वो बहुत अच्छा इनके होता। लेकिन पीटीआई को नहीं लगता पिक्चर क्लियर हो गई है आगे इलेक्शंस में क्या होने वाला है। अवाम ने तो अभी भी नून लीग को सपोर्ट किया है, तमाम तर नाअहली केसेस सामने आने के बाद। देखिए नाअहली केसेस जो है वो अदलिया की तरफ से है, अवाम जो है वो अपने नैरेटिव, देखे सबने अपने नैरेटिव दे दिया ना, अवाम ने अपना फैसला दे दिया। अब ये फैसला अवाम ने, इसका ये मतलब नहीं है कि अवाम ने अदलिया के खिलाफ फैसला दिया या अवाम ने हमारे निजाम के खिलाफ फैसला दिया। एक पॉलिटिकल उनका लीडर है, उन्होंने चाह के उसको वोट दें, उन्होंने वोट दी। इसको हम अगर इससे जोड़ें कि खुदा ना करे कि अदलिया नाकाम हो गई, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ गई फैसला, आगे इलेक्शंस में भी तो अवाम ने ही फैसला करना है। बिल्कुल, देखिए ये हमें सबको छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे उनके लीडर्स ने भी ये कहा है कि इस फैसले के बाद ये है कि आप अपना फैसला मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट। तो ये बिल्कुल जिसका जो रिजल्ट का हमारा ये बिल्कुल बेहतर है कि बहुत दोनों तरफ से ये, और लेकिन असल कहानी ये हुई है कि पीपल्स पार्टी को भी इसलिए लम्हा फिक्रिया है, खुद उनके लोगों ने भी ये बात मान ली है। पार्टी के साथ में बहुत ही तीसरी पोजीशन एक आजाद उम्मीदवार ने हासिल की, और मिल्ली मुस्लिम लीग जो है वो चौथी पोजीशन ले गई, पीपल्स पार्टी इससे भी नीचे। ये एक और अभी भी मैं देख रहा था, मैं एक उसमें टॉक शो देख रहा था, उसमें शौकत बसरा साहब कह रहे थे ठीक है हम पीछे हैं, लेकिन नून लीग का भी अशर देखें, इनके अभी भी इल्जाम भरा इल्जाम भाई अपने पहले गिरे। पीपल्स पार्टी के हवाले से मुझे वो मूवी याद आ जाती है कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वाकई पीपल्स पार्टी का वो हाल है कि पंजाब नहीं जाना है पीपल्स पार्टी में, क्योंकि फैसल मीर साहब, बल्कि फैसल मीर साहब के बारे में तो ये भी कहा जा रहा था कि जो पंजाब हाउस के आला ओहदेदारान है वो उनसे बड़ा नाराज है कि उन्होंने उनका उस तरीके से साथ ही नहीं दिया है। तो आप सोचें कि एक तरफ तो उनकी नाराजगी भी है और दूसरी तरफ वो कैंपेन भी करते रहे, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा शाबाश है फैसल मीर साहब को कि उन्होंने इतनी कैंपेनिंग भी कर ली और कुछ वोट हासिल कर लिए उन्होंने। लेकिन अफसोस की बात यह कि आजाद उम्मीदवार जीत गया, और मतलब उसके वोट उनसे ज्यादा थे, जमात इस्लामी हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, दोनों के वोट जो है वो आजाद उम्मीदवार से। ये सोचना चाहिए ना, क्योंकि देखें ये खुद पीपल्स पार्टी वाले भी ये कह रहे थे कि ये देखें ये रेफरेंडम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये पीपल्स पार्टी को भी देखना है कि वो इस वक्त कहाँ खड़ी है, और ज्यादातर सियासी तजियाकार ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जब तक भुट्टोइज्म की तरफ चल रही थी सही था, जरदारी लीग बनी तो इसका बेड़ा गर्क हो गया। और ये हमने पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी को बहुत सी चीजों को देखना पड़ेगा, अगर पंजाब में और पंजाब की ठीक है, पीपल्स पार्टी को बहुत सी चीजों को देखना पड़ेगा, अपने आप को कमबैक करना पड़ेगा, पीटीआई को अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, और साथ साथ नून लीग को आगे इंप्लीमेंट करना होगा उन तमाम चीजों पर, उन तमाम वादों पर जो उन्होंने आवाम से की है। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। बिल्कुल जनाब, अहम खबर आपको दें हाईकोर्ट से, जहाँ पर वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के अकामे पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नवीद से, लेकिन अभी उनसे राबता नहीं हो पा रहा है, उनसे राबता किया जाएगा। लेकिन इस वक्त अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के अकामे पर फैसला महफूज कर लिया है। अच्छा, आज भी समातों का सिलसिला जारी है, कुलथूम नवाज के हवाले से भी जो है वो समात की जाएगी आज, जिसमें फैसल मीर साहब ने जो है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्योंकि उनके जो कागजात नामजदगी है उसके वाले से उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो कुछ दरख्वास्त दायर की थी, तो लेट्स सी उसका क्या फैसला आता है। साथ साथ फैसला महफूज कर लिया है। आसिफ जो है उनकी भी नाअहली के हवाले से बातें की जा रही थी, और अब आज इस केस की समाप्त की गई है, और अब जाके हमने देखा कि चार साल बाद जब अगर वजीर खारजा आ ही गए हैं तो उनके ऊपर भी एक केस डाल दिया गया जिसकी समाप्त जो है वो आज हुई है। अब लेट्स सी फैसला जो है वो इस हवाले से क्या आता है। आसिफ नवीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद तफसीलात भी उनसे जान लेते हैं। आसिफ बताएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, मजीद की तफसीलात हैं आपके पास। देखिए ख्वाजा आसिफ के जो अकामे से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस्मान डार जो
उनके सियासी हरीफ भी सियालकोट में उन्होंने इतफाक जाहिर कर रखी थी कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो अपने कामे को छुपाया और जो है वो बातक प्रेजेंट से मुंतब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त की समाप्त हुई। जो जस्टिस आमिर फारूक ने समाप्त की, उन्होंने कहा कि जो अदालती दायरे अफ्तार से मुतलिक जो है वो फरीकैन दलाइल थे और इस हवाले से उन्होंने दलाइल सुनने के बाद जो है वजीर खारजा के खिलाफ जो दरखास्त है उसको फैसला महफूज कर लिया और अब जो है आज ही ये 11 बजे के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि उनकी दरखास्त काबिले समाअत है या नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये दरखास्त है इसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच को जो है वो भिजवाया जाए, क्योंकि अदालती दायरे अख्तियार से मुतलिक जो अगर आपके पास इस हवाले से कोई दलाइल है तो दें, क्योंकि ठीक है आप सिर्फ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ खबरों पे तजिया और तबसरे के नफीस नईम साहब मौजूद थे जिनका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ हुआ है वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जिसने सबसे बड़े सियासी दंगल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चित कर दिया। एनए 120 के जिमनी इंतखाब में बेगम कुलसूम नवाज ने सख्त मुकाबले के बाद यास्मीन राशिद को 14,000 वोटों की बढ़तरी से शिकस्त देकर मैदान मार लिया। कौमी असम्बली का हलका एनए 120 जहां ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मार्का हुआ और लाहौर के अवाम ने शेर के हक में फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नवाज ने अपने गढ़ लाहौर में सारे उम्मीदवारों को मात दे दी। गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बेगम कुलसूम नवाज ने 61,225 वोट लेकर फतह अपने नाम की। पीटीआई की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी डटकर मुकाबला किया और 47,066 वोट लेकर दूसरे नंबर पर जगह बनाई। गैर हतमी नतायज के मुताबिक मिल्ली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार याकूब शेख तीसरे नंबर पर रहे, जिन पर 4,268 अफराद ने एतमाद का इजहार किया। मुल्क और पार्लियामेंट की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सकी और उसके उम्मीदवार फैसल मीर सिर्फ 2,692 वोट ही हासिल कर सके। अपने उम्मीदवार की कामयाबी के बाद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने मॉरल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि लाहौरियों ने आज बहुत बड़ा काम कर दिया, उनसे मुकाबला किया जो नजर नहीं आते। नवाज शरीफ के गिर्द घेरा डालने वालों को शिकस्त हो गई। ये आपकी नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत थी कि आज आज उन सब कुव्वतों को नाकामी हुई जिन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से नवाज शरीफ के गिर्द घेरा डाला हुआ था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी नतायज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। यास्मीन राशिद का कहना था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीता, वो अपनी हिमायत पर हलके के अवाम की शुक्र गुजार है। मैंने आपको कहा था चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाऊंगी इन टू द कोर्ट और मैं 29,000 वोट जो वेरीफाई नहीं थे उसकी बात करूंगी, वो हम आपसे डिटेल में कल करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये जंग खत्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून एनए 120 पर कामयाबी को अदालती फैसले के खिलाफ फैसला करार दे रही है, जबकि पीटीआई एक बार फिर इलेक्शन का नतीजा अदालत ले जाने का ऐलान कर रही है, जो इस बात का इजहार है कि मामला एक बार फिर तूल पकड़ने वाला है। एक बार फिर से हमने देखा कि जो नतीजा आया, नतीजा आने के बाद हमेशा से हम देखते थे कि पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती थी कि धांधली हो रही है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी इस बात की तायद की है, जबकि साथ साथ जिस जो पार्टी जीत चुकी है, जिसकी उम्मीदवार जीत चुकी है, वो भी जो है वो इस वक्त धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है। तो बहुत से सवाल जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर खड़े हो रहे हैं, जिसके हवाले से अब मजीद जो है वो हिस्पत अमली भी तय की जाएगी और उस पर मजीद भी जो है वो आगे चल के अपने शो में हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, तजिया और तबसरा भी पेश करेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ अहम खबर से आगाह करते हैं कि कराची में आयशा भवानी ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने स्कूल के सामने धरना दे दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि अदालती हुक्मनामा दिखाए जाने तक धरना जारी रहेगा।
مزید تفصیلات کے لیے ہم نے کالج کے باہر موجود ہوں اور تاحال جو ہے وہ طلبہ و طالبات کی جو بڑی تعداد یہاں اس وقت موجود ہے جو کہ باہر ہے کورٹ کے ہسٹری کے مطابق آج کلاسیں ہونی تھیں تاہم ترجمان امداد شاہ میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے بات کروں امداد صاحب کلاسز جو ہیں وہ آج پیر سے ہونا تھیں ہسٹری آرڈر کے مطابق کیا کہنا چاہیں گے کلاسز کیوں نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں کلاسز میں نے آپ کے بھی نالج میں ہے کہ 15 تاریخ کو کورٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق پوزیشن ہمیں دے دی گئی تھی بڑی پیسفلی پوزیشن ہمیں ملی اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ جی کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے لیکن تاحال ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا کہ اسٹے ہوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو آپ دے دیں ہم نے ڈے ون سے کہا ہے ہم نے ہمیشہ اتنے سال اپنا لیگل اس میں جا کے کیس لڑا ہے اور کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے اگر کورٹ کہتی ہے کہ اسٹے ہے یا دوبارہ کالج ہینڈ اوور کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بسم اللہ ہم ضرور ہینڈ اوور کر دیں گے بلکہ ہم نے تو کورٹ کو یہ بھی کہا تھا ایک آپشن یہ بھی ہوا تھا کہ جی اگر جو یہ بچے سیکنڈ ایئر کے ہیں ان کو یہ پورا بیچ ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں اسٹاف کہیں اور شفٹ ہو جائے بلڈنگ تو آلریڈی ہماری آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تک آپ کو کوئی لیٹر موصول نہیں ہوا ہے جی ابھی تک ہمیں کوئی کورٹ کی طرف سے آرڈرز نہیں آئے کوئی لیٹر نہیں آیا اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو کورٹ کا بیلف خود آگے تالے کھول کے کالج گورنمنٹ کے حوالے کرے گا اور اگر ایسی کوئی بات ہوگی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو ترجمان عائشہ بھوانی ٹرسٹ کے موجود تھے امداد شاہ جن کا کہنا ہے کہ تاحال ہمیں جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی ہسٹری آرڈر نہیں ملا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہسٹری آرڈر ملے گا تو ہم جو یہاں طلبہ موجود ہیں بڑی تعداد میں ان کی کلاسز جو ہیں وہ بآسانی لے سکتے ہیں لیکن ابھی تک ٹھیک ہے کفیل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور گڈ مارننگ آج میں مزید کچھ تجزیے تبصرے بھی شامل کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا کہیں جائے گا بٹ ڈونٹ ویری ویئر اسٹے ود اس کیپ واچنگ گڈ مارننگ آج ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں موٹر سائیکل چلانے والے حضرات کی ٹریفک حادثات میں بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریفک پولیس کراچی نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف 14 ستمبر ایک ہفتے کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا ہے بالکل خصوصی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور یہ مہم مزید 3 دن تک جاری رہے گی لہٰذا موٹر سائیکل چلانے والے تمام حضرات کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں بصورت دیگر قانونی کاروائی ہو سکتی ہے ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق ہیلمٹ مہم کا آغاز ٹریفک حادثے اور موٹر سائیکل سواروں کے زیادہ متاثر ہونے کے باعث کیا گیا ہے مہم کے دوران پہلے روز ٹریفک پولیس نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے 4767 چالان کیے اور 304 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں ٹریفک پولیس کے مطابق پہلے روز شہریوں سے 7,15,050 روپے کے چالان جمع کیے گئے ٹریفک پولیس نے مہم کے دوسرے روز مزید 4,169 چالان کیے اور 935 موٹر سائیکلز ضبط کر لیں ایک ہفتہ صرف اس کو فوکس کیا گیا یہ کاروائی مستقل ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہم ہیلمٹ کے چالان کرتے ہیں اب آیا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ ذمہ داری اپنی بھی محسوس کریں ایک لا ہے ان کی اپنی سیفٹی ہے اس میں ان کی اپنی حفاظت ہے جس سے ان کو خود کو نقصان ہوتا ہے ہماری ذات کو نہیں ہے جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے ہیلمٹ نہیں پہن رہا وہ ہیڈ انجریز کی وجہ سے کئی اموات ہو چکی ہیں دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ مہم چلانے سے 2-3 روز پہلے آگاہ کر دیا جاتا تو بہت سے لوگ چالان سے بچ جاتے ہیلمٹ پہننا چاہیے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں زندگی کا سوال ہے تو لازمی ہے مقصد تو یہ ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے نا ایک ہفتے کی مہم سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قانون کی امپلیمنٹیشن ہے فائن کریں نہیں پہنے جو بھی ہے تو وہ پھر اس کو چلان کرے پہلے بھی اس طرح کا ہو چکا ہے کہ بھائی ہیلمٹ کے لیے انہوں نے قانون لاگو کیا تھا لیکن کوئی عمل درآمد ہے نہیں کراچی میں ایک طرف جہاں ٹریفک روانی کی صورتحال بتدریج بگڑتی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی نصف نفری ہیلمٹ نہ پہننے کے خلاف کارروائی میں لگا دی ہے اور ہر طرف ٹریفک جام نظر انداز کیا جا رہا ہے ہیلمٹ نہ پہننے کا جرمانہ صرف 150 روپے ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے اس سے قبل بھی حادثات میں اضافے کے باعث شہریوں کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری قرار دیا گیا تھا کراچی میں موٹر سائیکل کو حادثات سے بچانے کے لیے ہیلمٹ مہم کا آغاز تو ہو گیا ہے اس دوران ہزاروں افراد کا چلان بھی کیا گیا ہے اور سینکڑوں موٹر سائیکلیں ضبط بھی کی گئی ہیں لیکن اس مہم کے اثرات فوائد کیا ہیں اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایڈی آئی جی ٹریفک طاہر نورانی صاحب السلام علیکم
साहब, ये हेलमेट मुहिम जो है वो कराची में चलाई गई है और वैसे भी ओवरऑल हम देखते हैं कि अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना होता है तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार उसको रोकते हैं, पूछते हैं कि जी आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, ओवरऑल भी चालान होता रहता है, लेकिन स्पेशली ये मुहिम चलाई गई है, इस मुहिम का क्या फायदा होगा, कितनी अवेयरनेस लोगों में डेवलप हो सकेगी और अब तक आपने कितने चालान किए और कितने लोगों की बाइक जो है वो आपने किए? देखिए जी, एक अंदाजे के हिसाब से हमारे पास जो इस साल 8 महीने का जो फिगर आया है हादसा का, उसमें तकरीबन 86 के करीब रोड एक्सीडेंट हुए हैं मोटर बाइक राइडर्स के, जिसमें 79 कैजुअलिटीज हुई हैं, जहां बक हुए हैं हेड इंजरीज की वजह से। और अगर मैं आपको 2016 की फिगर बता सकूं तो उसमें 30% जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं और जहां वॉक हुए हैं उसमें 30% मोटर बाइक राइडर ही थे, और उनकी वजह यही थी कि हेड इंजरी हुई थी रोड पे गिरने से या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने थोड़ा फास्ट किया है मुहिम। मुहिम का नाम देना इस तरह नहीं है कि हम आम दिनों में चालान नहीं करते। हाँ, यही मैंने लेकिन पूछा ना कि आम दिनों में इसी वजह से कि जो एक्सीडेंट फ्रीक्वेंटली जो बढ़ गए हैं, जो लोग वन वे की खिलाफवर्जी करते हैं, स्पीडी गाड़ी चलाते हैं, या जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये मोटर बाइक राइडर तो रिस्क ओपन सवारी है टू व्हीलर की। हाँ। और इसमें अक्सर ये देखा गया है, जो हमारा फिगर आया है जिनकी डेथ हुई है वो 30 ईयर से छोटे उम्र के लड़के हैं तारे। तो इस सिर्फ इस हवाले को और इस हवाले से इन तमाम चीजों को देखते हुए ये मुहिम तेज की गई है ताकि ये अवेयरनेस आ सके कि आपकी जिंदगी आपके अपने हाथ में है। और जब और हेलमेट ना पहनने की वजूहत भी नहीं है कोई, कि अगर ये कहा जाएगी जी हेलमेट पहनने से कोई ऐसा कतई ही नहीं है, हेलमेट पहनने से तो जिंदगी और जान बचती है, आसान हो जाती है। अच्छा ताहिर साहब, ये क्या वजह है कि आप लोगों ने जो इस मुहिम का आगाज किया सिर्फ एक हफ्ते के लिए, क्या मतलब है अगर एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप हेलमेट उतार के फिर सकते हैं, सिर्फ एक ही हफ्ते क्यों रखी गई है? देखिए ऐसा नहीं है एक्चुअली, मुहिम या जिसको हम ये कैंपेन कहते हैं ये एक्चुअली होती है हफ्ते 1-10 दिन के लिए है, इससे ज्यादा जाहिर बात है हमारे पास 124 के करीब वायलेशन है जिनको हमने देखना होता है कराची शहर में। चालान तो और वायलेशन की भी हो रहे होते हैं, मगर फोकस इसको इसलिए रखा जाता है कि अगर हमारी 24 घंटे की तो उसमें 2 से 3 घंटे हम कंटिन्यू इस चीज को देखते हैं और उन आवर्स में देखते हैं जिन आवर्स में मोटर बाइकर बहुत ज्यादा वायलेशन कर रहे हैं। इसके तहत सिर्फ कार्रवाई हो रही है या आगे ही भी कोई फरहम? देखिए आगे ही तो हम दे रहे हैं ना, जिस तरह आपके पास आज बैठे हुए हैं, और इसके अलावा हमने ये ऐलान करने से पहले कि कल से 14 सितंबर से लेके अंटिल एक हफ्ते तक, तो ये हमने तो पहले ही प्रेस रिलीज दे दी थी। और इसके अलावा उन मोटर बाइकर्स को हम ना सिर्फ ये कि उनका चालान कर रहे हैं, कम से कम उनको आगाही भी दे रहे हैं कि ये जिंदगी आपके अपने हाथ में है। जब जाहिर बात है 40-50 हज़ार की आपने मोटर बाइक रखी है तो एक छोटा सा हेलमेट भी लेके सर पर डाल दें, क्योंकि अब अगर आप इसके फिगर को देखें कि हेड इंजरी इतनी नाजुक चीज होती है कि इसमें कोमे में आदमी चला जाता है, ब्लड जमा हो जाता है और उसके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कम से कम जिंदगी को तो बचाएं और एहतियात करें अपनी। अच्छा, एक जो ओवरऑल इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस मुहिम के अंदर जो कंफ्यूजन है जो आम शहरी को भी होती है, जो डेफिनेटली मेरे जहन में भी वो ख्याल आ रहा था कि जितने दिन गए तो शहरी और जितने भी लोग हैं वो मोटर बाइक्स के ऊपर हेलमेट पहन के जा रहे हैं कि जी आजकल बड़ी सख्ती हो रही है, ये सुनने में आता है एक जुमला, लेकिन उसके बाद फिर वो 3 दिन की मुहिम या एक हफ्ते की मुहिम खत्म हो जाती है और फिर लोग बाइक्स के ऊपर हेलमेट पहने नहीं पहने और फिर उनका चालान हो रहा होता है, तो वो चालान मतलब लाइक ये ऑफिशियली तौर पे आप रोक रहे हैं बाइक जब्त कर रहे हैं, लेकिन आम हालात में फिर इसके लिए कोई रूल क्यों नहीं है, आम हालात में क्यों कोई लॉ नहीं है? क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि अब मुहिम चल रही है, मुहिम खत्म हो जाएगी, उसके बाद कहेंगे जी आजकल थोड़ी पाबंदी जो है वो नहीं है, आजकल नहीं कर रहे ट्रैफिक पुलिस एहलकार, क्या परसेप्शन? नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये मुहिम चलाने का मकसद भी आगाही अवेयरनेस जो चीज लोग छोड़ चुके हैं उस तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपको जिस तरह फिगर बताऊं 3-4 दिन का, तो उसमें जिस तरह भी आपने कहा कि कितने चालान हुए, कितनी गाड़ियां जब्त हुई हैं, तो मोर देन 14,000 के करीब हम चालान कर चुके हैं। अच्छा। और तकरीबन 1,000 के करीब हमने मोटर बाइक जब्त कर ली है। अब उसका असर ये हुआ कि जो 30-35% लोग पहले हेलमेट पहनते थे अब 70% पे आ गए, इट मीन्स कि हमारी इस मुहिम का थोड़ा सा फायदा हुआ। देखिए बात यही है, मकसद भी यही है हमारा, ऐसा कतई ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशान करना है। हेलमेट मोटरसाइकिल सवार एक खास तबका होता है जो नौकरी पेशा होता है और जाहिर बात है उसने अपने घर के लिए भागदौड़ करनी होती है रोजी रोटी के लिए, तो हमें उनको परेशान करने का मकसद नहीं है, सिर्फ जिंदगी और उनको ये बताना कि कानून की पासदारी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये मुहिम चला देना काफी है, बाकायदा तौर पर लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि जब आप बाइक चला रहे हो तो आपने किस
हैं, जैसे कि अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि अभी तो ये हेलमेट ना पहनने वाले वाकयात आ रहे हैं, इससे पहले वन व्हीलिंग के भी बहुत से वाकयात आ रहे थे, और अभी मैं ऑफर भी आपसे पूछ रही थी कि वन व्हीलिंग के लिए भी कोई खास कानून है, क्या सजा है कानून के तहत? देखिए, वन व्हीलिंग है, हेलमेट ना पहनना है, ओवर स्पीडिंग है, वन व्हील खिलाफ वर्जी है, इन सब के कानून मौजूद है और इस पे ऑन एंड ऑफ हम लोग कर रहे होते हैं काम, और क्योंकि फोकस आज आपने हेलमेट पे रखा है, नहीं तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको डेली बेसिस पे अगर बताऊं तो इस शहर के अंदर नहीं, आप ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं, बिल्कुल मैं वही आपको बताने जा रहा हूं कि डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो जो कराची शहर में टोटल ओवरऑल वॉल्यूशन हो रही है 10 रुपए करीब हम लोग चालान करते हैं, जिसको बढ़ना चाहिए यकीनन, क्योंकि इससे ज्यादा की वॉल्यूशन है। और वन व्हीलिंग की आपने बात की तो वन व्हीलिंग में 341 का मुकदमा हम करते हैं, अगर छोटी उम्र का लड़का है 18 साल से कम तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनको बिठाया जाता है, उसके बाद उन पेरेंट्स से अंडरटेकिंग दी जाती है, वो गाड़ी जब्त कर ली जाती है, और उसके बाद अगर दोबारा किया जाता है तो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है और उस बच्चे के खिलाफ भी। तो ये ऑन एंड ऑफ हमारी चल रही होती है और इसको हमने फोकस किया हुआ है, क्योंकि कुछ खास मखसूस दिन होते हैं जो कराची शहर में वन व्हीलिंग के लिए बच्चे निकलते हैं, कुछ खास रोड है वहां पे हमारी नफरी लगी हुई होती है, हम एक्शन ले रहे हैं। हेलमेट की जहां तक आपने बात की तो हेलमेट का वजह यही है कि वो भी एक तरीके से वॉल्यूशन है। अच्छा, दोनों ही जो आपने ये वॉल्यूशन किए इसमें नुकसान है, वन व्हीलिंग में देखें कि कितनी जाने गई हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, एडमिशन। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वन व्हीलिंग पे ओवर स्पीड के ऊपर लॉ है तो आप लोग रोकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे मुल्क में 70-80 के पास बाइक है और बड़ी आसान सवारी लगती है कि रश में कहीं से भी बाइक निकल जाती है, तो इसके हवाले से दो हमारे ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह का लॉ आया था कि जी अब अगर जो मोटर बाइक चला रहा होगा वो तो हेलमेट पहनेगा ही, लेकिन उसके साथ अगर पीओगी या मेल भी बैठा होगा या दो फ्रेंड्स भी बैठे हैं तो वो भी हेलमेट पहनेंगे, जिसके ऊपर शहरियों ने बड़ा एतराज किया था कि जी फीमेल्स को तो हम नहीं हेलमेट पहना सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस किस्म का कोई लॉ है या इस किस्म की कोई हर चीज का लॉ है? ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है। पहले आपने जो सवाल किया इससे पहले देते हैं आप लोग मोटरबाइक चलाने वाले को, देखिए जब लाइसेंस बनाने जाते हैं तो सब लोगों को वहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आप लोगों ने भी लाइसेंस बनाया होगा तो आपसे टेस्ट लिया गया होगा, आपको एक बाकायदा बुकलेट दिया गया होगा कि रूल्स क्या हैं, किस तरीके से गाड़ी पार्क करनी है, किस तरीके से गाड़ी चलानी है, इसी तरीके से मोटर बाइक राइडर को भी जो है वो बता दिया जाता है वहीं पे लाइसेंस से पहले। दूसरा रूल आपने बताया कि जो साथ बैठता है जिसमें लेडीज भी है हेलमेट पहनना चाहिए, तो मैं इसके हवाले से आपको ये बताऊँ की जितनी भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं या के वहाँ पे 1-2-3 जितने भी मोटर बाइक पे बैठते हैं सब हेलमेट पहनते हैं। अच्छा, सब पहनते हैं हेलमेट, ऐसा कतई नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये लाजमी करार दिया गया कि आपने देखें बात ये होती है कि फिलहाल तो हमारे यहाँ राइडर जो है वो गाड़ी चला रहा है, हमने उस पर फोकस रखा है, मगर ये कानून के अंदर है कि वो साथ बैठने वाला चाहे औरत हो उसको भी हेलमेट पहनना है। देखें गिरने की सूरत में तो आगे वाला भी जख्मी होगा, आगे को भी होता है, पीछे वाला भी जख्मी होगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ताहिर साहब, और डेफिनेटली हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के दरमियान इस तरह की अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। और बाकी में हेलमेट पहनना इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है, आपके अपने लिए जरूरी है, आपकी अपनी जिंदगी के लिए जरूरी है, और जब भी आप लोग बाहर निकले हेलमेट जरूर पहने। जी हाँ, बिल्कुल हेलमेट जरूर पहने। और गुड मॉर्निंग आज में यहाँ पर आ गया है एक शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। साथ में चले वेलकम बैक भी सबने हो जाना चाहिए। लाहौर के हल्का एन 120 के हवाले से जो है वो आज हम बात कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून की तो बिलाखिर जीत हो ही गई है, और ये नून लीग का रवायती हल्का है जहाँ पर पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा कि नून लीग ही जीती है, और इस बार भी कामयाबी नून लीग का ही मुकद्दर रही। ज़िमनी इंतखाब में बेगम कुलसुम नवाज की 14 से कामयाबी और हल्के की मजमुई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार आसमा शराबी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। आसमा, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप लीग की जीत को आप क्या किस तरह से देख रही हैं, क्या समझती हैं कि आवाम ने अदलिया के फैसले को वाकई में मुस्तरद कर दिया है, या फिर जो मरियम नवाज है उनकी इलेक्शन कैंपेन काम कर गई है, तहरीक इंसाफ की नाकामी की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है, और अगर नून लीग की क्यादत मुल्क में होती तो क्या बेगम कुलसुम नवाज इससे ज्यादा मार्जिन से कामयाब हो जाती? अच्छा, इस वक्त की जाने बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पर पीटीआई रहनुमा नईमुल हक इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने हाई कोर्ट के अहकाम पर उनकी तकमील करते हुए हमने अपने तमाम फाइनेंशियल अकाउंट 2010-2017 तक, जिसमें फॉरेन फंडिंग की तफसीलात भी शामिल हैं, हमने वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिए हैं। हाईकोर्ट के अहकाम के मुताबिक
ये जो रिकॉर्ड है ये किसी और के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, जिसमें अकबर बाबर भी शामिल हैं, उनको भी इस रिकॉर्ड तक रसाई नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है कि इनकी स्क्रूटनी के लिए हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब अदर तारिक साहब, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो और इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम आज ही मीटिंग के, ताकि वो तमाम तफसीलात जो हमने दाखिल कराई हैं उनकी स्क्रूटनी की जा सके और इलेक्शन कमीशन को उसकी रिपोर्ट दी जा सके। इसके साथ साथ मैं कुछ और गुजारिशात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल और में जो इंतखाब मुनक़द हुआ उसमें 65% से ज़्यादा वोटर्स ने हिस्सा नहीं लिया। सन 88 से लेकर आज तक इस निज़ाम के तहत 60% या इससे ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने कभी भी किसी आम इंतखाब में या बाय इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान इलेक्शन के कवानीन, इलेक्शन का तरीक़ाकार, इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर असर नौ कर गौर करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के वोटर्स की अक्सरियत तमाम इंतखाबात अपने वोट से इसलिए महरूम हो जाती है कि वोट देने का जो तरीक़ाकार है उसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि लोगों के लिए दूर दूर तक जाना या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना तकरीबन नामुमकिन हो चुका। और हम सब ये बात जानते हैं कि सब पाकिस्तान में अगर आप करोड़पति नहीं हैं तो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इंतखाब में आप हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए हम समझते हैं और हमने बारहा कहा है, इमरान खान ने बारहा कहा है कि पूरे इलेक्शन कमीशन की तश्कील, पूरे जो इंतखाबात के कवायद हैं इनको दोबारा इन पर गौर करने की ज़रूरत है ताकि हमेशा हमेशा पाकिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत को मुमकिन बनाया जा सके। इस तरह मैं आज कुछ और बेशुमार जो खामियां हैं इलेक्शन कमीशन के कवायद में उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। हमारे अकलियती के एक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली को पिछले साल एक साल से ज़्यादा का अर्सा हुआ, सोरेन सिंह जो थे उनको कत्ल कर दिया गया। उनको कत्ल करने वाला दूसरा जो हमारी जो लिस्ट थी अकलियती मेंबरों की, वो दूसरा शख्स था जो अब जेल में है कत्ल के इल्ज़ाम में, वो चाह रहा था कि इसको कत्ल करके मैं MP हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो हमारा उम्मीदवार है उसको हम MPA बनाना चाहते हैं, उसको इजाज़त दे दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कवानीन के तहत सिर्फ वही शख्स बन सकता है जिसने कत्ल किया जो अब पुलिस के लॉकअप में बंद है। तो इस किस्म के जो कवायद हैं ये पाकिस्तान में जमहूरियत के जो बुनियादी अरकान हैं उनकी नफी करते हैं। हम इसी तरह जब इन्होंने ज़ाब्ता अखलाक जारी किया, उस ज़ाब्ता अखलाक के तहत जो लाहौर का जो इलेक्शन ख़त्म हुआ है उसमें नवाज शरीफ को तो इजाज़त थी कि वो जाके कैंपेन कर सकें क्योंकि वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं हैं, मगर इमरान खान को इजाज़त नहीं थी। ये वो तमाम बातें हैं और इसके अलावा भी बेशुमार वो 40 जो कमज़ोरियाँ हैं इंतखाबी जो कवानी जो जुडिशल कमीशन ने भी पॉइंट आउट की है। रहनुमा नईम अनवर किस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका यही कहना था, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रहे थे, साथ साथ उन्होंने स्क्रूटनी की बात की और उन्होंने कहा 65% से ज्यादा वोटर्स ने हिस्सा नहीं लिया। अब जनाब एक बार फिर से हम पढ़ेंगे यानी 120 हलके के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तज़्ज़ियाकार आसमा शेराज़ी। आज मेरा आपसे बिल्कुल वही है कि आपके ख्याल में क्या लगता है कि जो नून लीग को जीत मिली है या आवाम ने वाकई में अदलिया का फैसला मुस्तरद कर दिया या आपके मरियम नवाज की जो इलेक्शन मुहिम थी वो बहुत ज्यादा कामयाब इसमें दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या समझती है अगर नून लीग की क़यादत मुल्क में होती तो क्या बेगम कुलसुम नवाज को इससे ज्यादा वोट मिल सकते थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके एक सवाल में कोई 4-5 सवाल है तो मैं कोशिश करती हूँ इसको मुख्तसर तरीके से इसका जवाब दे दूँ। ये जो इलेक्शन मुहिम है इसमें कोई शुबा नहीं कि ये मरियम नवाज़ की इलेक्शन मुहिम थी और ये उनका ही इलेक्शन था इनफैक्ट, और बड़ी हिम्मत से उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है बिल्कुल उसी तरह जैसा यास्मीन राशिद साहिबा ने भी चलाई है और बड़ी मेहनत की है उन्होंने भी। मरियम साहिबा की कैंपेन इस तरह से मुख्तलिफ थी कि उनके वालिद जो थे वज़ीर आज़म उनको नाहल किया गया या वो नाहल हुए और उसके बाद उनकी जो वालदा हैं उनकी जो सेहत की ख़राबी
थी, तो पे दर पे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो शरीफ खानदान के उसमें से निकल के इस कैंपेन को चलाना बड़ी बात है, जबकि वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रही। गो के जो NA120 की मियाँ साहब की कैंपेन थी 2013 की, हमने कवर की थी वहाँ जाके भी, वो भी मरियम साहिबा ने ज़रूर इस हल्के से चलाई थी, तो वो काफ़ियत भी रखती थी, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टाइल था और चैलेंज बहुत बड़ा था, और जिस तरह की बातें हो रही थी और जिस तरह के इल्ज़ाम PMLN के ऊपर लग रहे थे, तो इस में इस पूरे कठिन वक्त ने साबित ज़रूर किया है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो एक सॉलिड लीडरशिप के तौर पर, उस लीडर के तौर पर सामने आई हैं। जहाँ तक तय कि अगर बेगम साहिबा यहाँ पे होती तो वो ज़्यादा मार्जिन लेती, मेरा नहीं ख्याल कि इसी मार्जिन के साथ ही उनको जीतना था। भरपूर कैंपेन थी बेगम कुलसूम की तरफ से मरियम नवाज साहिबा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था, ज़ाहिर है कि वोटर को मोटिवेट करना था, निकालना था, ज़िमनी इंतखाब में इतना ही वोट निकलता है, ज़्यादा निकलता तो ज़्यादा बेहतर होता, और उनकी पहले से ही बेगम कुलसूम की तबीयत ख़राब थी, तो ये वोट जो था जितना भी मुतहरिक हुआ है वोटर वो। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कैंपेनिंग के हवाले से बात करिए, सुपेन में अगर देखी तो मरियम नवाज की जानब से फैसिलिटेशन की बात नहीं की गई, आवाम की बात नहीं की गई, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से मजलूमियत का कार्ड खेला, और दूसरी तरफ PTI जो है उनके चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया कि जो अदलिया पे एतमाद रखता है PTI को वोट दे, जो नहीं वो डाकू के साथ है। इमरान खान के इस बयान को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि इनफैक्ट जीत तो नून लीग की हुई है। देखिए, पहली बात तो ये कि इस इंतखाब को बिल्कुल ये नहीं लेना चाहिए कि अगर ये इंतखाब PMLN जीत गई है तो ये सुप्रीम कोर्ट की हार है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटमेंट जो कि खान साहब की तरफ से आया, और बहुत ही बदकिस्मती कि उसको फॉलो नहीं बल्कि बड़े भरपूर तरीके से रिसीव किया गया PMLN की तरफ से, और इसको इदारों की जंग बनाने की कोशिश की गई, ये बहुत ही ये किसी की जीत और हार नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत है, और पाकिस्तान कभी हारता नहीं और ना ही हारेगा। इदारों की भी ये शिकस्त बिल्कुल नहीं है, इदारों ने अपना काम किया, वो गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है, उसके ऊपर हम उसके जो बाकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर वो लेना चाहिए, लेकिन इलेक्शन तो यहाँ पे थी ही मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि अवाम ने सुप्रीम कोर्ट को मुस्तरद किया है, अवाम ने पॉलिटिकल पावर्स को मुस्तरद जरूर किया है। पॉलिटिकल इस वक्त NA120 मुस्लिम लीग नून का, वैसे भी हम सब जानते हैं कि गढ़ है जिसमें तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून ने ही कामयाबी हासिल की, और किसी दूसरी जमात को जो है वो सामने फटकने भी नहीं दिया। क्या कहेंगी कि इस बार मुस्लिम लीग नून को माजी से ज्यादा टफ टाइम मिला है, या आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने नून लीग के गढ़ में इतना वोट लेकर जो है लीगों का मुस्तकबिल खतरे में डालने का एक डंका भी बजा दिया? देखिए, ये कोई वोट जो था इससे कोई PMLN को जाहिर है कि उनको तो देखना है कि उनके जो वोटर्स वोट डालने नहीं आए वो क्यों नहीं आए और उनको किस तरह से उन्होंने करना है, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन जब होता है तो ये किसी एक की शिकस्त एक की फतह होती है, और ये तो रहा ही PMLN का गढ़ है हमेशा से। सो PTI बहुत बड़ी ये कोई नाकामी नहीं है अगर देखा जाए, और दूसरी बात ये है कि इससे एक PTI को सबक हासिल ज़रूरत है कि आप किसी इलेक्शन को ज़िंदगी और मौत की जंग मत बनाएं। ये इलेक्शन और फिर ये NA122 का भी इलेक्शन, जब खान साहब खुद खड़े हुए थे या सादिक साहब के खिलाफ, उस वक्त भी उन्होंने ये इसको इसी तरह से किया था, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन इसके जो दूरस्थ नतायज होते हैं हर इलेक्शन के तौर पर, हर इलेक्शन के अंदर वो ठीक, उसके अंदर ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि आप ये ज़रूर अपने वोटर को कह सकते हैं कि आप वोट डालने के लिए निकलें और आप अपने वोटर के साथ सामने आए, लेकिन अगर आप होती है तो उसको उसी खुले दिल के साथ तस्लीम भी करना चाहिए कि हाँ उसके अंदर कुछ नाकामियाँ या कुछ जो पॉलिसी की पॉलिसियाँ हैं वो गलत हो सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुस्तकबिल का कोई ख़तरा PMLN के लिए है, PTI के लिए है, कि मुस्तकबिल के खतरा ये बन सकता है अगर इसी तरह से उनका वोटर जो है वो एनॉयड रहेगा या घर पे बैठा रहेगा या वो बाहर नहीं निकलेगा, तो ये ज़रूरी है इस मार्जिन को देखना जिससे कि जो के जनरल इलेक्शन के अंदर जो वोट मिला था और उसके मुकाबले में अब PMLN को वोट मिला है, उनको इसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए, और उसके साथ साथ PTI को भी ज़रूर, क्योंकि ठीक है अपोजिशन पार्टी हमेशा
उसके ऊपर स्टेक पे ही होती है। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा, आप दिया पेश कर रही थी अपना एनए 120 के हवाले से, और बिल्कुल सही कह रही थी कि नून हो या पीटीआई हो, दोनों को ही अपने वोटर को घर से बाहर निकालना है तो डेफिनेटली उसके लिए उन्हें इकदाम करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। जी हाँ बिल्कुल, अब कुछ बात कर लेते हैं कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से, जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिजली चली तो जाती है लेकिन आती कब है ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन आखिरकार शहर कराची बिजली बुहरान का इतना शिकार क्यों है? क्या वजह है जनाब इसकी कि 70% रेवेन्यू वाला हमारा शहर, इसके हिस्से में ही बिजली नहीं आती? इस सब पर देखते हैं रिपोर्ट। ये है कराची शहर, जहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग रोजगार के लिए आते हैं। कहने को तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ वसाइल कम और मसाइल ज्यादा हैं। कराची के कई इलाकों में पानी तो कई इलाके गंदगी और गलाजत के ढेर में घिरे हुए हैं। यहाँ सड़कों का बुरा हाल है, जिसके बाइस हादसात भी होते रहते हैं, और अगर कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी खत्म हो जाता है। मसाइल यहीं खत्म नहीं हुए, इलावा और भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक मसला जो तवील अरसे से चलता चला आ रहा है और हल होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो है बिजली का। शहर में अगर बारिश की एक बूंद पड़ जाए तो फौरन बिजली गायब हो जाती है, फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं और फिर कई कई घंटे तक बिजली नहीं आती। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शहर में बिजली जिम्मेदार आखिर है कौन, हुकूमत के इलेक्ट्रिक या फिर खुद आवाम? क्योंकि कराची में कुंडा माफिया भी मौजूद है, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ये लोग मार धाड़ पर उतर आते हैं। ऐसा ही कुछ गुज़श्ता दिनों नाजमाबाद नंबर एक में हुआ, जहां के इलेक्ट्रिक को कुंडा माफिया, कार्रवाई महंगी पड़ गई। कुंडे काटने के लिए पहुंचने वाले के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन को मुश्तइल अफराद ने खम्बे के साथ बांध दिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐसे में के इलेक्ट्रिक बिजली की चोरी कैसे रोके, जिसका एक नतीजा आवाम को लोड शेडिंग और जायद बिजली के बिल की सूरत में भुगतना पड़ता है। ओके सलाम, कराची के हवाले और कराची में लोड शेडिंग और बिजली के निजाम की खराबी का सुनते ही एक इदारा हमारे जहन में आता है और वो है के इलेक्ट्रिक। और ये इदारा बिजली की फराहमी के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसके बारे में हमने कम ही सुना होगा। सो बात करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद है के इलेक्ट्रिक की डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सादिया दादा और जहरा मेहदी डिप्टी डायरेक्टर ESG। अस्सलाम वालेकुम टू द शो, कैसे हैं? अच्छा आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया। सही, यूजुअली ये होता है कि जब भी हम आपको बीपर्स पे लेते हैं तो हम यही पूछ रहे होते हैं स्पेशली सादिया से कि सादिया क्या वजह है, कितनी देर में बिजली ठीक हो जाएगी, कितनी देर में बिजली आएगी, और सादिया पूरा एक्सप्लेन कर रही होती है कि इस तरीके से बिजली आएगी, ये वजह होगी। लेकिन आज हम बड़ी डिफरेंट बात कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से। के इलेक्ट्रिक का एक प्रोजेक्ट है जिसको उजाला के नाम से आप लोगों ने जो है वो पोर्ट्रे किया है, ये बताइए एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है? सबा बिफोर हम प्रोजेक्ट में जाएं, आप लोग ने एक अच्छी सी रिपोर्ट दिखाई, दो चीज़ें उसमें जो है मैं उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। पहली बात कि जो कराची में इस वक्त 60% ऑफ कराची जो है वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती। दूसरा, रिपोर्ट में कहा गया कि जी बारिश के पड़ते ही बिजली चली जाती है। पिछली बारिशों में से पिछली बारिशों में रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर रहा है, ज्यादातर इलाकों में लाइट नहीं गई। हमारे 1600 फीडर्स हैं कराची में, ये मैं बार बार आपको बताती हूँ, बिल्कुल 1600 फीडर्स हैं, जिसमें से पिछली बारिशों में तकरीबन 100 के करीब इससे पहले भी फीडर्स ट्रिप हुए थे। तो जो एरिया है इम्पैक्ट है वो भी कम हो रहा है। किन एरियाज में ये ट्रिपिंग आती है, किन एरियाज में शिकायत आती है, और दूसरी जो आपने रिपोर्ट दिखाई हमें जो हमारे अमले के साथ होता है, वेरी वेरी सैड, हमें करना पड़ता है, लेकिन हमें मालूम है कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारी मुहिम जो है वो अच्छी जा रही है, स्ट्रॉन्ग जा रही है, उसका इम्पैक्ट निकल कर आ रहा है। क्यों हम कुंडों के खिलाफ मुहिम करते हैं? क्योंकि इससे ट्रिपिंग होती है, इस इलाके जाती है, इसकी वजह से लोगों को तकलीफ आती है। इसका हल जो है वो है प्रोजेक्ट उजाला, जिसके बारे में जहरा आपको बताएंगी। बेसिकली जी प्रोजेक्ट उजाला पिछले एक साल से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और तकरीबन 200 लोकेलिटीज हैं कराची की, पसमानदा लोकेलिटीज पे इसका फोकस है, जिसमें लियारी से लेके उरंगी, कुरंगी, लांढी तमाम एरियाज शामिल हैं, और तकरीबन 1 मिलियन लोग हैं जिसको ये इम्पैक्ट कर रहा है। एंड मुसलसल आई थिंक ऑन अ वीकली बेसिस जो है
वो फीडर्स जो हैं VHL जो हम कहते हैं कि बहुत हाई लॉस से अब लो लॉस पे आ रहे हैं. लो लॉस का मतलब ये है कि वहाँ अब लोड शेडिंग नहीं हो रही. आप लोग खुद जाके देख सकते हैं कि औरंगी जैसे इलाके में इस वक्त तकरीबन 30% औरंगी में लोड शेडिंग नहीं हो रही. आई एग्री विद यू, क्योंकि वहाँ पर आए दिन हम यही खबर सुनते थे कि औरंगी या कोरंगी रोड पे जो है वो एहतजाज हो रहा है, लेकिन अब इस तरह का एहतजाज सुनने में नहीं आता. तो यू आर वेरी मच राइट. अच्छा जहरा, ये बताएगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है उजाला, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट ऑल अबाउट? क्या होते हैं, सिर्फ लोड शेडिंग को इंश्योर किया जाता है या इसके अलावा भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग इसके तहत लेके? देखिए बेसिकली ये उजाला जो है वो स्टार्ट होता है कम्युनिटी पार्टनरशिप से. ओके, ठीक है. के इलेक्ट्रिक और कम्युनिटी की एक पार्टनरशिप होती है जिसकी बेसिस करते हैं कि हम उस इलाके का न सिर्फ ये कि ओवरऑल निज़ाम बेहतर करेंगे, वहाँ का नेटवर्क जो है उसको हम ओवरऑल इन्हांस करेंगे, बल्कि वहाँ पर हम लो कॉस्ट मीटर्स भी देंगे. लो कॉस्ट मीटर भी उस हवाले से कि ओवरऑल उनको कुछ भी इनिशियली पे नहीं करना होता, बिल में ही 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक साल में उनसे उस मीटर. अच्छा, का ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की जहरा, लो कॉस्ट मीटर, क्योंकि हमारे मुल्क में जहाँ बिजली एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ बिजली का बिल उससे दुगना बड़ा इशू है. क्योंकि ये यूजुअली लोगों की शिकायत होती है कि यार हमने तो इतना यूज नहीं किया फिर भी हमारा इतना बिल आ रहा है, तो इसकी क्वालिटी क्या होगी लो कॉस्ट मीटर की? ये क्वालिटी बिल्कुल वही है जो अच्छा? कि एक रेगुलर है, बस सिर्फ ये है कि जो 20,000 का एडवांटेज किया, 20,000 का जो कनेक्शन था वो इनको 5,000 में मिल रहा है. अच्छा, इनके डोर लाइक हम डोर स्टेप्स पे जाके मीटर. सार्फीन को यही मुश्किलात होती थी कि ऑफिस में आना है, प्रोसेस बहुत मुश्किल होता, तो हमने ओवरऑल प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है. जब हम कम्युनिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस कम्युनिटी में जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ अवेयरनेस फैला रहे हैं एंड ओवरऑल उनको लोड शेड फ्री एरिया की तरफ. अच्छा सर, आज का हमारा जो शो में इस चीज के ऊपर बात करने का मकसद ये था कि जो तरकीब हर वक्त इलेक्ट्रिक को बनाया जाता है कि जी लोड शेडिंग हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, इस तरह की चीज़ें जो इश्यूज हैं लोगों के सामने आ रहे होते हैं, तो उनको बताने की भी ज़रूरी है कि के इलेक्ट्रिक इसके अलावा भी बहुत से दीगर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है और खेल के मैदान में भी आप लोगों ने बहुत सी यू नो प्रोजेक्ट्स का स्टार्ट किया है, जिसमें कोई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है कहीं पर, लियारी फुटबॉल से आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स चलाए, कुछ इसके बारे में भी बताएं कि स्पोर्ट्स को खसूसी तौर पर आप लोगों ने क्यों टारगेट किया? स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की ओवरऑल जो लेगेसी है ओके की बहुत पुरानी है. क्रिकेट में सरफराज जो कैप्टन है वो के से ही उन्होंने शुरुआत की थी. बड़े बड़े नाम हैं, आफरीदी जैसे नाम भी के से रिलेटेड है. सो स्पोर्ट्स की लेगेसी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस है वो यूथ डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा, स्पेशली फुटबॉल, बॉक्सिंग और क्रिकेट के हवाले से. और यूथ डेवलपमेंट भी बोथ जेंडर्स यानी फीम मेल नहीं फोकस कर रहे हैं जितना के हम मेल्स पे कर रहे हैं. एंड वो बच्चे जो कि ज्यादातर एरियाज जो है, फॉर एग्जांपल लियारी लीग, हम पिछले 5 सालों से लियारी लीग कर रहे हैं जिसमें हर साल तकरीबन 1600 बच्चे हैं जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वहाँ पे हमेशा. अच्छा सभा, वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ ज़राए से पता चला कि एरिया जो है वो उन दिनों जिस दिन लियारी लीग हो रही होती है वो भी कम हो जाती है. बहुत पॉजिटिव जो स्पोर्ट्स का रोल है, स्पोर्ट्स का रोल है वो वाकई वहाँ पे असरअंदाज होता है और बड़ा दिखता है वहाँ पे कि यार इस लीग के बाद काफी खुशी आ रही होती है. बिल्कुल आप लोगों के. अच्छा सादिया, बचत सार्फिन की बचत के हवाले से अगर बात करें तो डेफिनेटली आप बहुत जबरदस्त तरीके से ये एक्सप्लेन कर सकती हैं क्योंकि आपका अपना ताल्लुक खुद के इलेक्ट्रिक से और आप बहुत सारे मसाइल को डिफाइन भी करती रहती हैं. इस हवाले से कोई अवेयरनेस दी जा रही है? दो चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तो जिन एरियाज के अंदर हम गुंडे उतार के ABC लगा रहे हैं वहाँ पे मीटर्स लगा, क्योंकि सार्फीन को आदत नहीं है बिल की, या तो फिक्स बिल देते हैं या नहीं देते हैं, तो उनको आदत नहीं है, तो उनको हम ज़रूर एक्सप्लेन कर. फालतू बत्ती पंखे जो हैं अगर वो इस्तेमाल में नहीं है तो उनको बंद कीजिए, TV को स्टैंड बाय पे मत रखिए, सेलफोन को चार्जिंग पे मत छोड़ दीजिए, लैपटॉप को प्लग इन मत रहने दीजिए, बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस हैं. इसके साथ एयर कंडीशनर जो है टेम्परमेंट है, जो क्लाइमेट है उसमें अगर आप AC 26 पर भी रखेंगे तो कमरा ठीक ठाक कूल रहता है, आप उसको 26 पे रखें आपके बिल में खातिर ख्वाह कमी आएगी. अप्लायंसेस जो होते हैं अब तो माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनके ऊपर स्टार रेटिंग आती है, तो प्लीज़ जब आप फ्रिज लेके आते हैं या कोई नया अप्लायंस घर में लेके आते हैं तो उसकी एनर्जी सेविंग रेटिंग आप ज़रूर देखिए. मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जिन्होंने अब इन्वर्टर, एयर कंडीशनर्स और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें लगाई हैं, तो ये बहुत इनका फ़ायदा होता है. एनर्जी सेवर्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करना
जो है एलईडी बल्ब्स हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, उन पे स्विच कर जाइए, उससे ही जो है 50-60% जो है पड़ जाती है। अच्छा अभी सारी आपने एक बात की कुंडा सिस्टम के हवाले से, और ये चीज मैं जब से कराची में आई हूँ मैंने यहाँ पर बहुत नोट किया कि लोग कुंडा बहुत ज्यादा लगाते हैं, और जब भी कभी बात होती है छापा मारने के लिए आ रहे हैं, कुंडे के छापा मारने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं उस टाइम पर तो वो बिल्कुल उतार दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो छापा मार कर चले जाते हैं दोबारा वापस वहीं पे कुंडा लग जाता है। इसका परमानेंटली कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? सोनम, ये अप्रोच थी हमारी, यही चैलेंजेस थे जिसकी वजह से प्रोजेक्ट उजाला बॉर्न। उसका मकसद ये था कि आप जाके कुंडे उतार लेंगे, लेकिन कोई 24 घंटे तो चौकीदारी नहीं कर सकता। हमारे कराची शहर में 26,000 पीएमटीज हैं, तो हर पीएमटी के ऊपर या तो आप बंदा तैनात करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसी वजह से कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल रणछोड़ लाइन गजराबाद जिसको कहते हैं, वहाँ पर उनकी कम्युनिटी है, सलावट जमात खाना है, उन्होंने ओनरशिप ली कि जी आप आए यहाँ पर अपना काम कीजिए और हम आपका साथ देंगे। होता क्या है, जब उनकी ओनरशिप होती है, जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनका बाय इन होता है, तो सस्टेनेबल भी रहता है। यही तरीका है किसी भी काम को मुस्तकिल तौर पर करते रहने का। दूसरी चीज़, कम्युनिटी में रेजिस्टेंस होती है। जो वाक्य आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया, इस तरह के वाकयात जो हैं इनकी तादाद जो है कम होती जा रही है, क्योंकि जो हम आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, पहचानते हैं। काफ़ी सारी मिथ्स होती है कि जी मीटर तेज़ चलता है, ऐसे इन तमाम मिथ्स को हमने ब्रेक किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मीटर मैंने नहीं बनाया, ISO सर्टिफाइड इंटरनेशनल क्वालिटी मीटर है। आपने मिथ्स का जिक्र किया, जब वो कम्युनिटी वाले सब कुछ देखते हैं तो फिर उनकी समझ में आता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी आवाम को भी जो है वो आज आप लोगों के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चला, और के इलेक्ट्रिक के बारे में जो एक बैड इमेज क्रिएट हुआ है कि जी सिर्फ लोड शेडिंग का काम है के इलेक्ट्रिक का, तो उन्हें पता चले कि ये लोग कितने मुख्तलिफ शोबों में, इवन शजरकारी में भी जो है वो आप लोग काफी काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस सब पर जो है हमसे बात किया। जी हाँ बिल्कुल, और के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो के इलेक्ट्रिक कितने जबरदस्त जो है वो काम कर रहा है, लीक्स करा रहा है, शजरकारी मुहिम करा रहा है, तो ये बड़ा अच्छा एकदम है के इलेक्ट्रिक का। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम हमारा अपने खत्म को पहुंचता है, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी कुछ नए मेहमान।